नमस्कार, मैं हूं जयप्रकाश पाराशर और आप किसान आंदोलन 2020 के बारे में ये विशेष पेशकश हमारी देख रहे हैं सोशल मीडिया पर। और मैंने इस पूरे माहौल में जो इस समय बना हुआ है देश में, उसमें दिल्ली की सीमाओं पर किसानों ने बड़ी संख्या में मौजूद होकर घेराव कर रखा है, रास्तों को बंद कर रखा है। और इन रास्तों के बंद होने के कारण दिल्ली के जहां लोगों को परेशानियां हो रही हैं, वहीं कोरोना का डर भी फैला हुआ है। और किसान इस मामले में एक मुद्दे पर अड़े हुए हैं कि अगर कृषि से संबंधित तीनों कानून वापस ले ले या जाए तो वो यहाँ से जा सकते हैं, अन्यथा वो यहाँ से नहीं जाएंगे। आज सुबह प्रधानमंत्री के आवास पर वरिष्ठ नेताओं की एक बैठक हुई और उस बैठक के बाद में नरेंद्र सिंह तोमर जो कृषि मंत्री हैं केंद्र सरकार के, वो विज्ञान भवन में किसानों के साथ मीटिंग के लिए जा चुके हैं, बैठे हुए हैं। और अब इस बैठक के दौरान क्या फैसला होता है, हालांकि किसानों ने एक धमकी ये भी दी है कि यदि इस दौरान उन कानूनों को वापस लेने की बात सरकार ने नहीं मानी तो वो बैठक से बाहर चले जाएंगे। और देश में दूसरी तरफ एक चीज ये भी दिखाई दी कि संयुक्त राष्ट्र की तरफ से भी इस किसानों के आंदोलन करने के हक का समर्थन किया गया। ब्रिटिश पार्लियामेंट में 35 सांसदों ने एक पत्र लिखकर सरकार से, विदेश मंत्रालय से आग्रह किया कि भारत से इस बारे में बातचीत की जाए, क्योंकि जो सिख निवासी हैं ब्रिटेन के, वो इस मसले को लेकर बड़े चिंतित हैं। बहरहाल ये मसला एक बहुत ही नाजुक मोड़ पर है, क्योंकि 8 दिसंबर को पूरे देश में चक्का जाम करने की या धरना करने के लिए एक धमकी किसानों के संगठन की तरफ से आई है। आइए आज इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ मौजूद है यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रवक्ता गोविंद मालू जी, कांग्रेस के महासचिव प्रदेश मध्य प्रदेश कांग्रेस के, और खास करके जो एग्रीकल्चर मामलों के विशेषज्ञ अवनीश भार्गव जी हैं, प्रियंका कौशल हैं जो वरिष्ठ पत्रकार है रायपुर से जुड़ेंगी वो हमारे साथ में, और वो छत्तीसगढ़ के मामलों सहित इस किसानों के मामले पर भी बात करेंगे। मैं गोविंद जी, हम अब इस बातचीत में जा रहे हैं। गोविंद जी, मैं आपसे इस आज जो बातचीत होने हुई है, अभी तक की जो सुबह एक मीटिंग हुई है प्रधानमंत्री के निवास पर और अभी विज्ञान भवन में बातचीत होने वाली है, इस जफर भाई बातचीत के बारे में, गोविंद जी आप मुझे सुन पा रहे हैं? गोविंद जी, नरेंद्र सिंह तोमर जो है विज्ञान भवन में गए हैं, पिछले जो दौर की बैठक थी वो 7 घंटे तक चली थी, और आप मानते हैं कि आज इस बातचीत से कुछ निष्कर्ष निकलने वाला है? क्या सरकार इस हड़ताल को खत्म कर पाएगी? नरेंद्र मोदी ये जो रसाकशी है इसको रोक पाएंगे? जयप्रकाश जी, जो रिलेवेंट बात है, जो उनके बारे में जो वो कह रहे हैं उसमें से जो वाइबल है या जो हो सकता है या जो करना किसानों के हित में होगा, उस पर तो सरकार ने लगातार खुला रखा है, ओपन रखा है, चर्चा का भी द्वार और समझ का भी द्वार और आपसी सहमति का भी। लेकिन यदि उस पर इतना गतिरोध पैदा किया जाए और ऐसा गतिरोध पैदा किया जाए जिसका निराकरण नहीं हो सकता, तो फिर सरकार के पास कोई ऑप्शन नहीं होता है कि सारी की सारी बातें मान ली जाए। जो प्रैक्टिकल बात है, जो व्यावहारिक बात है, उस पर कोई व्यावहारिक दिक्कत है तो उस पर निश्चित ही बैठकर बात करने का सरकार ने पहले से ही अपनी तरफ से पहल की है, और उसमें लगातार हमारे प्रदेश के कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह जी तोमर, जिनको हम सब जानते हैं कि वो कितने लीलियंट, कितने इलास्टिक और कितने बहुत ही गंभीर किस्म के नेता हैं, वो उनके साथ डायलॉग कर रहे हैं। लेकिन कुछ चीजें जो अव्यवहारिक नहीं, और उसके पीछे कई सारी दूसरी जो शक्तियां काम कर रही, मुझे लगता है कि आज भी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस जिस ढंग से उनको प्रोवोकेट कर रहे हैं, एक राजनीतिक रंग देने का उसको प्रयास किया जा रहा है। किसानों का आंदोलन, इनके पीछे कौन प्रेरित कर रहा है? लेकिन हाँ, टेबल पर बात होगी और हम आशान्वित हैं, आशावादी हैं कि कुछ ना कुछ हल इसका जरूर निकलेगा, और सरकार भी किसानों के पक्ष में है, और सरकार भी किसानों का हित चाहती है, सरकार किसानों का दमन नहीं चाहती, उनको हित और संरक्षण देना
और उनकी आय को दुगना करने का शुरू से लक्ष्य नरेंद्र मोदी सरकार का रहा है, और इसीलिए उन्होंने अनेक किसान सम्मान निधि जैसी अनेक घोषणाएं भी की है, नीम कोटेड यूरिया की बात की है, कई सारे मृदा परीक्षण की वाली बात की है। तो केंद्र की सरकार लगातार किसानों के हित में, उनके कल्याण के अवनीश लिए जी, काम जी कर रही है। अवनीश जी, आपने गोविंद जी की बात सुनी, इनका कहना है कि सरकार तो अपने स्तर पर पूरी कोशिश करेगी कि इस मसले को सुलझाया जाए और उनकी बात सुनी जाए किसानों की, लेकिन किसान इस मसले पर अड़े हुए हैं कि ये तीनों जो कानून है वापस लिए जाए, इनको रद्द किया जाए विशेष सत्र बुला करके। तो अवनीश जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या कांग्रेस भी इस पक्ष में है कि ये तीनों कानून वापस लिए जाने चाहिए, क्योंकि संसद में जब ये कानून बन रहे थे तब कांग्रेस के सांसद भी वहां मौजूद थे। देखिए पाराशर जी, जिस तरीके से मैं कह सकता हूं कि भाजपा का अड़ियल रवैया है, किसानों ने ना ऐसे विधेयक लाने की बात की, ना ऐसा अध्यादेश लाने की बात की। किसान साफ तौर पे चाहता है कि उसका जो परिश्रम है, उसकी जो मेहनत है, उसका कम से कम लागत मूल्य तो मिले। इस बात के लिए किसान लगातार मांग कर रहे हैं। लाभकारी मूल्य की बात किसान नहीं कर रहे हैं। गोविंद मालू जी कह रहे हैं ये राजनीतिक षड्यंत्र है। भाजपा के एक नेता कह रहे थे खालिस्तान समर्थक आंदोलन है, लोग इसको विदेश से जोड़ के देख रहे हैं। मैं कह सकता हूँ भारत देश का एक एक किसान जो अपने आप में खेती करता है, मेहनत करता है, फसल उगाता है, वो कभी भी इस बात का समर्थन नहीं कर सकता कि ये तीन बिल किसानों के हक में देश में लागू हो। ये जिस दिन लागू हो गए तीनों बिल, तो किसान का पूरा बंटाधार हो जाएगा। जिस तरीके से इनने रेल बेची है, जिस तरीके से इनने एयरपोर्ट बेचे हैं, जिस तरीके से इनने ऑयल कंपनियां बेची है, अब खेती को बेचने का काम ये लोग शुरू करने वाले हैं। इसको रोकने के लिए पूरा भारत देश में नहीं, बल्कि देश के जो अप्रवासी भारतीय हैं, जो विदेश में रहते हैं, वो आप बता ही रहते हैं कि ब्रिटेन में किस तरीके से हो रहा है, अमेरिका में क्या हो रहा है, सभी जगह लोग चिंतित हैं। और चिंतित इस बात को लेकर कि देश की सरकार जो अपने आप में कह रही है किसानों के हक में जो हो सकेगा वो करेंगे, ये बार बार कहते हैं इनने किसानों के हक में सब बुरे फैसले किए हैं। पहले राज्य की सरकारें बोनस देती थी, नरेंद्र मोदी जी ने 2014 की सरकार बनने के बाद राज्य सरकारों से मना किया कि आप कोई भी राज्य सरकार किसानों को बोनस नहीं दे पाएगी। ये कहते हैं किसान सम्मान निधि की बात करते हैं, आप 10,000 रुपए किसान से ले रहे हो पर मंथ, तो 500 रुपए से दे रहा है, तो किसान सम्मान निधि से किसान का कोई भले होने वाला नहीं। किसान दो बार साफ कहता है जी। अवनीश जी, इसमें मसला ये है कि कनाडा या ब्रिटेन को हमारे देश में क्या हो रहा है, इससे क्या लेना देना है उनको? देखिए कनाडा पारा सर जी, मैं पारा सर जी साफ तौर पे कह सकता हूँ, भारतीय मूल के लोग जो है, चाहे हम बाहर, आप भी बाहर जाके रहेंगे तो आप चिंता का विषय करेंगे। यदि आपके हक में कुछ गलत हो रहा है तो आप निश्चित तौर पे, आपके परिजन यहाँ रहते हैं, आपके लिए चिंता का विषय होगा। देश के किसानों के साथ जो होने जा रहा है उसकी हालत समझने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी नहीं कर रही। अपना अड़ियल रवैया अपना के ये कहना कि ये देशद्रोही है, इनसे कोई बातचीत नहीं करेगी, फिर आपके प्रधानमंत्री जी के प्रतिनिधि के रूप में यहाँ बात करने आते हैं, फिर उनकी बात नहीं मानी जाती। ये किसान आंदोलन का तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, यूनियनों से बात करके उसको खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं। निश्चित तौर पे देश के किसानों पे इससे बुरा दिन, आजादी के बाद जो सबसे बुरा संकट किसानों पे आया वो अभी आया है, क्योंकि उसको एमएसपी देने की बात नहीं कर रहा। एमएसपी नहीं देने का क्या मुद्दा है आपका? मैं आता हूं अवनीश जी आपके पास, मैं वापस आता हूं। प्रियंका, एक अहम जो इससे परिवर्तन हुआ है वो ये हुआ है कि पूरा राजनीतिक समीकरणों पर बड़ा असर इसके पड़ सकते हैं। 8 दिसंबर को पूरे भारत बंद का आह्वान, ये किसान यूनियन जो सब उन्होंने मिलकर के जो एक यूनियन बनाई है, वो यूनियन पूरे देश में भारत बंद करना चाहती है। दूसरी तरफ हमने देखा कि हरियाणा में एक बड़ा बदलाव ये हुआ कि एक निर्दलीय विधायक जो सरकार को समर्थन दे रहा था, खट्टर सरकार को, वो उसने अपना समर्थन वापस लेने की घोषणा की। दूसरे विधायकों पर भी इस तरह के कुछ दबाव बन रहे हैं। आप किस तरह के राजनीतिक बदलाव इसके कारण देखती हैं, खासकर छत्तीसगढ़ की राजनीति में क्या बदलाव दिखाई पड़ता है? देखिए सर, सबसे बड़ी बात तो ये है कि भारत ही कृषि प्रधान देश है। मैं छत्तीसगढ़ में बैठ के बात कर रही हूँ तो हमारा स्टेट ही एग्रीकल्चर बेस्ड स्टेट है। जो सरकार बनी कांग्रेस की, वो केवल उन मुद्दों पे बनी कि किसानों से जुड़े मुद्दे थे, धान से जुड़े मुद्दे थे, समर्थन मूल्य से जुड़े मुद्दे थे, बोनस से जुड़े मुद्दे थे, और सरकार एक बदल गई जो 15 साल से काबिज थी। तो राजनीति बहुत सारे परिवर्तन होंगे, बहुत सारे समीकरण बनेंगे बिगड़ेंगे, लेकिन सर मैं एक मूल विषय पे मैं अपनी बात कहना चाहती हूँ। मैंने दोनों नेताओं को सुना, सबसे बड़ी बात ये जो किसान आंदोलन देश में है,
क्या होता है सर, कई बार कई चीजें अच्छे हो सकता है अच्छे मानस के साथ शुरू की जाए, लेकिन जिस तरह के एलिमेंट्स उसमें दिखने लगते हैं, जिस तरह के लोग उसमें दिखने लगते हैं, जिस तरह के स्लोगन्स में आ जाते हैं, तो संशय की स्थिति देश में हो जाती है। इस विषय को लेकर पूरे देश में एक नई बहस छिड़ गई कि कौन किसान और कौन किसान नहीं है, तो किसान की बिल के विरोध में उतरे तो सीधे सीधे उस बिल पे बात होनी चाहिए। लेकिन देखिए एक नई बहस इस देश में छिड़ गई हुआ कि गोविंद जी, गोविंद जी आप सुना सुन रहे हैं ना गोविंद जी? गोविंद जी अरे आवाज कट रही है एकदम इसमें। अच्छा गोविंद कट कट के आ रही है। अच्छा गोविंद जी, आवाज गोविंद जी, गोविंद जी से मैं जानना चाहता, गोविंद जी ये जानना चाहता हूँ कि अब जो आप पूरा जो इसको देख रहे हैं, मान लीजिए ये हालात इस तरह के बनते हैं कि सरकार पूरी तरह से इन कानूनों को वापस नहीं लेती है, तो क्या टकराव की स्थिति नहीं बन जाएगी? और इस तरह से किसान यूनियन अपने इस मुद्दे पर अड़ी रहती हैं कि बिलों इन कानूनों को वापस लिया जाए, तो आप क्या संभावनाएं देखते हैं आगे? देखिए ये तो बहुत ही अव्यावहारिक बात है कि बिल्कुल जो कई चीजें आप देखिए, कई डिमांड करें कि हम तो यहाँ पर कोई बच्चा अगर डिमांड करे किसी खिलौने की जो मिलता हो बाजार में जो वाइबल हो उसके लिए, और कैसी चीज की डिमांड करे जो आई नहीं सकती हो, उसके बारे में यदि ये आंदोलनकर्ता बात करेंगे तो उसके पीछे मंशा स्पष्ट है कि कहीं ना कहीं से प्रेरित है ये, और किसानों के हित की नहीं सोच रहे। दूसरी बात है कि किसानों का ये प्रतिनिधि आंदोलन नहीं है, एक प्रदेश के जहाँ पर सरकार है कांग्रेस की, उन लोगों द्वारा प्रायोजित एक कार्यक्रम ये आंदोलन है। लेकिन उसके बावजूद भी सरकार कोई अगर कोई व्यावहारिक दिक्कतें हैं किसानों को तो उनको समझना चाहती है। कांग्रेस जिस ढंग की बात कर रही है, कांग्रेस ने कभी किसानों का भला नहीं किया, कहा जय जवान जय किसान, लेकिन कभी किसान का भला नहीं किया। उन्होंने स्वामीनाथन समिति ऐसी कई सारी समितियां बनी, स्वामीनाथन कमेटी बनी 2003 में, उसकी रिपोर्ट उन्होंने 2006 में दे दी। 2006 से 2014 तक यूपी की सरकार रही, 8 साल में स्वामीनाथन जी बेचारे परेशान हो गए, अब जाकर के और अब हमारी सरकार ने उसको लागू किया। स्वामीनाथन जी जिनका ये जो आयोग के अध्यक्ष थे वो उससे खुश है कि हाँ हमारी रिकमेंडेशन को लागू किया। तो कांग्रेस तो खैर ये केवल बितंडावाद करना, केवल एक अराजकता फैलाना और देश में कैसे एक संकट पैदा हो और कैसे विदेशी ताकतों को बल मिले, इसके लिए खालिस्तान से लेकर के कश्मीर तक उन्होंने यही काम किए हैं और यहाँ भी यही कर रही है। किसानों के हित में यदि कोई बात होती तो इसमें कौन सी बात थी जो किसानों के खिलाफ है? अगर इस पर कोई बहस करा ली जाए तो किसान को केवल बरगलाया जा रहा है। अरे भाई किसानों ने नहीं मांगी, हमने दी ना उनको, किसानों के हित में ही किया ना। ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि आपको जो चीज नहीं मांगी वो हम दे रहे हैं, किसानों को ले नहीं रहे, किसानों के लिए हित में बात कर रहे हैं। और ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि किसान जो चीज है नहीं उसका भ्रम फैलाया जा रहा है, कुछ है नहीं अभी उसके बारे में आप हाइपोथेटिकल बात पर आप लोगों को भड़का रहे हैं, अभी कुछ नहीं हुआ है। देखिए जो मंडी की बात है, मंडी में ये किस तरह से एक कॉकस बनाकर मंडी में किसानों को लूटते हैं, वो छुपा है क्या किसी में पंजाब और बाकी जगह? तो इसलिए इनको खुला मार्केट दिया, ये बंद नहीं किया कि आप मंडी में ना जाएं, मंडी में भी जा सकते हैं, बाहर ऑप्शन है। यदि ऑप्शन ज्यादा है, अगर कोई आपको एक चैनल चल रहा है जयप्रकाश जी, दूरदर्शन ही था, और अगर 10 चैनल हो गए तो कॉम्पिटिशन होगी ना, तो प्रतिस्पर्धा में ज्यादा मूल्य मिलेगा किसानों को कैसे। और कई कॉन्ट्रैक्ट फार्म की जहां तक बात है, किसान अभी अदाई पर खेती दे रहे हैं, अदाई पर अपनी खेती देते हैं, उसका क्या होता है फिर? वो भी वो उसको कानूनी रूप देकर उसको सुरक्षा प्रदान करने का काम यदि केंद्र सरकार ने किया है तो किसानों के हित अहित की बात नहीं है। कहते तीनों कानूनों को रद्द करो, ये बड़े बड़े प्लेयर्स के साथ खेलने वाले लोग हैं, बड़े किसानों के जो व्यापारी हैं उनके साथ खेलने वाले लोग हैं और ये किसानों को बरगलाने वाले लोग हैं। मैं समझता हूं कि इसलिए सरकार जो कुछ कर रही है वो किसानों के हित में कर रही है, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार ने खुला रखा है फोरम कि आइए बैठिए बात करिए, जो व्यावहारिक दिक्कतें हम उसको दूर करेंगे। आपको आपको ही नहीं लगता है कि इसमें कानून तो वापस नहीं लेगी सरकार, जाहिर है बिल्कुल नहीं लेगी, अमेंडमेंट के लिए सरकार तैयार है? बिल्कुल, सरकार ने अपने, मैंने कहा ना, सरकार वार्ता की टेबल पर चर्चा के लिए खुला है कि भाई आपको अगर लगता है और हमको लग रहा है कि हाँ ये व्यावहारिक है, इसमें किसानों का कुछ भला होगा और तो हम और करेंगे उसके लिए। सरकार ने शुरू से एजेंडा बनाया है किसानों के भले के लिए,
और इसीलिए ये कहते हैं 10,000 रुपए ले ले, कौन से किसानों से 10,000 ले लिए? अरे भाई मृदा परीक्षण कभी होता था क्या? मिट्टी का परीक्षण ये सरकार ने चालू करा। यूरिया में कितना काला बाजारी घोटाला कांग्रेस की सरकारों के समय हुआ, जिनको इनका संरक्षण प्राप्त था, वो यूरिया को नीम कोटेड यूरिया कर दिया तो इनके धंधे बंद हो गए। ये लोग उसके लिए शोर मचाते हैं, इनको तो भ्रष्टाचार और काला बाजारी करने के अवसर चाहिए, चाहे पीडीएफ पीडीएस सिस्टम में हो, चाहे किसानों के किसी काम में हो। और किसानों को यदि 6,000 रुपए दे रहे हैं, अरे कांग्रेस की सरकारें जिन राज्यों में, उन्होंने तो पूरे डाटाज नहीं दिए कि चाहते नहीं किसानों को पैसा मिले, किसान हमेशा भूखा बेहाल और बदहाल और नंगा रहे, ये चाहते हैं ये लोग। ये किसानों की कभी उन्नयन और विकास के, बड़े जो किसान है उनकी हित के संरक्षण करते हैं, छोटे किसान, छोटी जोत का किसान जो 80% है उसके बारे में बात नहीं करते। ये भारत बंद की स्थिति तो पैदा नहीं होगी मालू जी, 8 तारीख को जो भारत बंद, आम किसान इनके आंदोलन के साथ नहीं है। कुछ राज्यों में ये प्रायोजित कार्यक्रम है, इनका बंद का या कोई भी आह्वान होगा वो अभी उसके पहले समय है, समय रहते हुए सरकार भी चाहती है कि टकराव ना हो और इस पर चर्चा पे कुछ उसका निकले जिस और कुछ उसको हल निकले। लेकिन ये लोग इनकी जिस ढंग की मांगे हैं कि डीजल का मूल्य आधा करो, ये करो वो करो, ये सब व्यावहारिक इम्प्रैक्टिकल मांग है और हाइपोथेटिकल ये बात कर रहे हैं, इसलिए इन सब बातों पर कोई समझौता नहीं होने वाला। चलिए अवनीत जी से इस बात का जवाब ले लेते हैं कि अवनीत जी ये जो मालू जी कह रहे हैं कि आप अव्यवहारिक जो मांगे हैं, अव्यवहारिक मांगे कि पूरे कानून ही हटा दिए जाए, खत्म कर दिए जाए और नए कानून, उनको समर्थन कर रहे हैं। और इनका ये भी कहना है कि जो आम किसान है उसका इसको कोई समर्थन हासिल नहीं है। अवनीत जी देखिए पाराशर साहब, जिस तरीके की बात भारतीय जनता पार्टी और उनके प्रवक्ता कर रहे हैं ये अव्यवहारिक बात है। किसानों ने अपने भला करने की ना तो कभी मांग की, ना उन्होंने ये बिल लाने की बात की। किसान साफ तौर पे पहले कहता है, स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट में यह कि लागत मूल्य का उनको 1.5 गुना मूल्य मिलना चाहिए, उस बात को लेके किसान पूरी तरीके से गए और किसान वो ही मांग करता आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी ना पता किसके दबाव में ये बिल ला रही है। भारतीय जनता पार्टी की मंशा साफ होती, देश के प्रधानमंत्री जी की मंशा साफ होती तो वाटर कैनिंग कर रहे हैं उनके ऊपर, उनका रास्ता क्यों, सड़कें क्यों खोदी जा रही, बैरिकेडिंग क्यों लगाए जा रहे, उनके आंदोलन दबाने का प्रयास किया जा रहा है। इन सबको करना था तो उनसे बिल के पहले भी बात की जा सकती थी, अध्यादेश के लाने के संसद में भी बात की। चोर दरवाजे से आप अध्यादेश को लेके आ रहे हो, कोरोना काल था तो आपने पीछे से उसको पारित करा दिया। इस तरीके का बर्ताव भारतीय जनता पार्टी का है, वो कृषि मंत्री और देश के प्रधानमंत्री जी का है, वो कहीं से भी कहीं से किसानों का भला करने वाला नहीं लगता। ये निश्चित तौर पे अडानी और अंबानी और बड़े कारपोरेट के दबाव में लाया गया बिल है, जिसके द्वारा देश के किसानों को बेचने का, उनके खेती बेचने का प्रयास किया जा रहा है। मैं कहता हूं इसमें सिर्फ आप एमएसपी का कानून में प्रावधान कर दो, आप कह रहे हैं एपीएमसी खत्म नहीं होगी, आप उसका भी कानून में दायरा ले आओ। आप कृषि उपज मंडी में टैक्स लोगे, वो कृषि उपज मंडी के बाहर होगा तो किसानों पे और व्यापारियों से कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा, ये किसके लिए कर रहा है? आप जो जमाखोरी है 1972 में उसका कानून बनाता रोकने का, अब आप कह रहे हैं अनलिमिटेड, कोई एक व्यक्ति पूरी उपज को देश की खरीद के रख सकता है और उपभोक्ताओं का भी नुकसान होगा और उत्पादक का भी नुकसान होगा। ये सब काल्पनिक बातें कर रहे हैं आप, भड़का रहे हैं। देखिए मालू जी जिस तरीके, मैं आपके बीच में नहीं बोला, आपने जो भाषा का इस्तेमाल किया है वो भारतीय जनता पार्टी जो काम करने जा रही है, देश के किसानों के निकृष्ट से निकृष्ट काम भाजपा के लोग कर रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। गोविंद मालू जी मैं आपके बीच में बिल्कुल नहीं बोला हूँ, मैं आपसे उम्मीद करता हूँ आप बड़े धैर्य से सुने, मैंने दोनों बार आपकी बात बड़े धैर्य पूर्वक सुनी है। आप मैं कह सकता हूँ कि मैं आपसे कह रहा हूँ, आपने डीजल के मूल्यों में बेतहाशा वृद्धि की, आप 10,000 रुपए एक महीने पे डीजल पे ले रहे हो, 500 रुपए किसान को दे रहे हो, ये कौन सी व्यवहारिक बात है? मालू जी आप बहस को मोड़ने का प्रयास नहीं करें, आप मुद्दे पे बात करें, आप भाजपा का पक्ष रखें, देश के प्रधानमंत्री जी की बात करें, लेकिन किसानों को बेचने का काम मत करो, किसान आपको सबक सिखा देगा, रोड चला देगा। ये कांग्रेस का या देशद्रोह का मुद्दा नहीं है, आपने बहुत मुद्दे कर दिए, मुद्दों को डाइवर्ट कर दिया। आप धर्म और जाति के आधार पे बात कर सकते हो, आप देश को तोड़ने वाली शक्तियों को विरोध में बात कर सकते हो, किसानों को मुद्दे पे भाजपा को बात करना पड़ेगी। देश आप बहस मत मोड़िए मालू जी, मैंने बड़ी गंभीरता से आपकी बातों को सुना है। आप
देखिए मैं कह सकता हूँ भारतीय जनता पार्टी देश को भी तोड़ने का काम कर रही है, जो आंदोलन होता है उसको दबाने का काम कर रही है। इनकी मंशा प्रजातांत्रिक मूल्यों में कदापि नहीं है, ये सिर्फ दुकानदारी करके देश को बेचने का काम कर रहे हैं। आपने रेल को बेचा, एयरपोर्ट को बेचा, आपने क्या नहीं बेचा? आप किसानों की खेती बेचने का प्रयास कर रहे हैं, कृषि उपज मंडी आप प्राइवेट खुलवा रहे हैं। तो आपने तो देश की जमीन, मैं आप पारा सर जी मालूम की बात करिए, आप चीन और पाकिस्तान के हाथों में जमीन बेचते हैं, चीन और पाकिस्तान की बात आप कर रहे हो, आप बहस को मोड़ने का किसान के मुद्दे पे बात करिए। प्रेम तो आप में है, ये सिखों का आंदोलन नहीं है, ये किसानों का आंदोलन है, ये खालिस्तान का आंदोलन नहीं, देश के किसानों का आंदोलन है। अवनी जी ऐसे बात कोई लेना देना नहीं, आप काइंडली प्रेम करिए। आप देखिए मालू जी जिस तरीके का वार्तालाप कर रहे हैं, मालू जी एक तो पूरे गंभीरता से बोलते नहीं है। प्रियंका ये बताइए कि ये जो पूरा मेरी बात पूरी हो जाए, मालू जी ने बोलने नहीं दिया पारा सर जी मुझे। नहीं अवनी जी रुकिए आप थोड़ा, प्रियंका ये जो राजनीतिक माहौल है वो किस तरफ जाता हुआ दिखाई पड़ता है आपको इस आंदोलन के बाद? सबसे बड़ी विडंबना तो ये है, देश के एक पत्रकार होने के नाते मुझे ये कहने में बिल्कुल भी गुरेज नहीं है। किसी भी समस्या का समाधान इस देश में खोजना इतना मुश्किल काम है, क्योंकि उस समस्या जो मूल में समस्या है उस पे बात नहीं होती और दुनिया भर की बात होती है। यही इस देश का भविष्य मुझे लगता है, और ये बहुत विडंबना पूर्ण भविष्य है। आप क्योंकि दोनों ही मालू जी और साथ में जो भाई साहब है दोनों ही लीडर है कांग्रेस के, एक बीजेपी की, तो निश्चित है अपनी अपनी पार्टी की लाइन को बात रखते हैं। मूल विषय किसानों का है, किसान कृषि व्यवस्था अगर ध्वस्त होती है इस देश की, तो ये यकीन मानिए कि ये बहुत ही मुश्किल आने वाला समय इस देश के लिए होगा। इस बात को समझने की जरूरत है। हाँ ठीक है गोविंद भाई, मैं एक बात जो इसमें अहम है जिसका सवाल आपसे पूछना भी चाहता था पहले भी, लेकिन वो ये है कि क्या आपको आपकी जो जीत है बिहार में, आपने इन तीन विधेयकों के कानूनों के बाद जीत हासिल की, लेकिन उसके बाद हम देखते हैं कि ये आंदोलन शुरू हुए और अब पश्चिम बंगाल के चुनाव आने वाले हैं, हैदराबाद में भी आपका जो प्रदर्शन है बड़ा जबरदस्त दिखाई दिया, लेकिन तो आप क्या सोचते हैं कि इन आंदोलनों का कोई असर आपकी राजनीति पर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? गोविंद प्रकाश जी, मैंने पहले ही कहा किसानों का कोई प्रतिनिधि आंदोलन नहीं है, कुछ मुट्ठी भर लोग किसानों को बरगला रहे हैं, और इसलिए आम किसान यदि मुट्ठी भर लोग हैं इनसे बातचीत क्यों कर रहे हैं आप? हमारी बात बालू जी, आप बात मत करिए इन लोगों से, ये खालिस्तानी समर्थक है, देशद्रोही है, नहीं इनसे बात क्यों कर रहे हैं आप लोग? वहाँ भड़का के देखो, अरे आप क्यों, आप हरियाणा के किसान नहीं है, दिल्ली के किसान नहीं है इसमें, मध्य प्रदेश महाराष्ट्र के किसान नहीं है इसमें, प्रदेश का किसान महाराष्ट्र का किसान कोई आंदोलन में, आप तो मध्य प्रदेश में। मालू जी से एक बात पूछना चाहता हूँ, हित में है मालू जी, आप ये बताओ किसान संघ की क्या भूमिका है? किसान संघ समर्थन कर रहा है कि विरोध कर रहा है? आरएसएस का मूल संगठन है, भारतीयों का साथ दिया है ये किसान संघ, लोगों ने जमा खोरों समर्थन कर रहा है क्या? आपने तो घोटालों का साथ दिया है, पीडीएस सिस्टम में भी घोटाले पता पड़ गया, कमलनाथ जी की सरकार में कितने जमाखोरी मिलावटी भारतीय जनता पार्टी के लोग थे मालू जी, लेकिन आपने देश को पिछले 6 साल में बेचने का काम किया, मध्य प्रदेश का तो बंटा डारी कर दिया। तर्कपूर्ण बात करिए, एक करके बात कर रहे हो जी, लोकसभा में भी तर्कपूर्ण बात आपने नहीं की, ये जब कानून पास हो रहे थे आपने कहा यूं हो जाएगा, आरएसएस का किसान संघ क्या कह रहा है राजनीति करना, कांग्रेस हरमीत कौर क्या कह रही है, आपके अलायंस आपके साथ नहीं है, आपका आरएसएस साथ नहीं है, भय दिखा रही है, कहीं राजनीति चलती नहीं है तो भय दिखाओ, भय का दोहन करो। देखिए इससे नहीं होगा काम मालू जी, ये बताओ आपके अलायंस जो है अकाली दल इससे अलग थलग हो गया है, ये आंदोलन आपका आरएसएस का किसान संगठन विरोध कर रहा है, फिर किसके लिए ला रहा है? लोग जो है देखिए आप ये जो तटस्थ, ये देखिए बड़े बड़े किसान जिनके कब्जा है मंडी पर, पंजाब में हम सब जानते हैं वहां पर, बिहार में तो मंडी नहीं है, वहाँ मंडी पर कब्जा है, उसकी दुकानदारी बंद हो रही है। मंडी बंद होने के बाद क्या हाल हुआ है बिहार का? मंडी बंद, बिहार के लोग मजदूर बन गए किसान, ये कब? लेकिन वहाँ तो एनडीए का अलायंस जीत कर आया ना उन्नीस जी, चुनाव जीत कर आया ना, यही तो मैं कह रहा हूँ, अलायंस जीत के आया तो बात जीतने की नहीं है, बात हारने की नहीं है, बात यह है कि बिहार में एपीएमसी खत्म होने के बाद किसानों का शोषण हुआ है, बिहार में किसान सबसे ज्यादा मजदूर बने, मार रहे हैं देश में किसान यदि सबसे ज्यादा मजदूर बने तो बिहार में बने, बिहार का किसान मजदूर बन के देश देश में घूम रहा है। बिहार में अगर किसान बहुत नाराज रहा होता तो उन्होंने तो मजदूर बन के बाहर निकल गया,
20 साल 25 साल पहले से मंडी बंद है वहाँ, मजदूर बन के बाहर चल, बॉम्बे दिल्ली बेंगलोर भोपाल मजदूर आया, बिहार का आया, किसकी सरकार थी? अच्छा, मंडी की पैरवी कर रहे, मंडी के बंद किया तब किसकी सरकार थी वहाँ? मंडी जिसने भी बंद की उसकी उसका नुकसान हुआ है। मंडी आप यहाँ भी देश में बंद करेंगे तो आप पूछे ना भाजपा का जो असर होगा, जो बिहार में उस टाइम लोग होगा वो आपका भी हो जाएगा। मंडी बंद भ्रम आप फैला रहे हैं, आप क्यों ये कानून लेके आ रहे हैं, किसके हक में? आपका कोई नेता सपोर्ट नहीं है, आपके लोग सपोर्ट कर नहीं रहे। जिस मंडी से मुनाफाखोरी कर रहे हैं, लाभ कमा रहे हैं, उन लोगों को पेट में दर्द हो रहा है। अच्छा, सरकार ने जब ऑप्शन दिया बाहर का, अरे किसानों को नहीं चाहिए, नहीं आप आपके पास रखो, आपको आरएसएस को चाहिए, नहीं आपके दलों को चाहिए, नहीं फिर किसको चाहिए? जो घोटाले किए हैं वो छुपे नहीं है भाई मेरे। एक और अहम मसला, 100 करोड़ का यंत्रीकरण का घोटाले में आने अंदर होने वाले आपके मंत्री और मुख्यमंत्री। गोविंद भाई एक और अहम मसला है, वो मसला ये है कि कोरोना देश में इस समय बड़ा चिंता का विषय है, फैला हुआ है, एक संक्रामक महामारी फैली हुई है, और एक ऐसे माहौल में ये जो पूरा आंदोलन हो रहा है ये सुपर स्प्रेडर साबित हो सकता है, तो ये एक आशंका भी उस इलाके में दिल्ली के लोग भी व्यक्त कर रहे हैं, और इससे निपटने के लिए क्या कोई रणनीति सरकार के पास है या कुछ क्या होगा इसका, कुछ इसका कुछ निदान होगा? गोविंद जी, जय प्रकाश जी, हर नागरिक का दायित्व और कर्तव्य है सरकार के साथ साथ, जो लोग इस तरह का संगठन बनाकर और जो लोग इस तरह के काम कर रहे हैं उनको भी सोचना चाहिए इससे कोरोना फैलेगा या रुकेगा। खुद कानून तोड़े और सरकार को बोले कानून गलत बनाए। कोरोना अभी फैलता है साहब, हैदराबाद में योगी जी रैली करते हैं, अमित शाह जी रैली करते हैं, तब कोरोना नहीं फैलता। अरे आप लोग तो बिहार के चुनाव में रैली करते हैं जब कोरोना नहीं फैलता। सुनो, कोरोना सिर्फ किसान आंदोलन में फैलेगा और कुछ नहीं है। चुनाव होता है तो कोरोना बंद हो जाता है, कांग्रेस चुनाव होता है तो कोरोना चालू रहता है। कोरोना से कब तक डराओगे? मूल मुद्दे पे बात, जनता पार्टी कोरोना धर्म की राजनीति, पाकिस्तान और जम्मू कश्मीर के अलावा देश के लोगों के बारे में शुरू करेंगे। हम जिस तरह की बेरोजगारी पे कब बात करेंगे, मंदी पे कब बात करेंगे, किसानों को लाभ देने की कब बात करेंगे? आप 2022 में किसानों की आय दुगनी करने की बात कर रहे थे, जनता ने डिसऑन कर दिया। आप 2022 में किसानों की आय दुगनी कैसे करेंगे? ये जो आंदोलन है किसानों का, ये राष्ट्रव्यापी आंदोलन तो फिलहाल नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि कुछ आप देखिए कुछ एक प्रदेशों के किसान इसमें इन्वॉल्व है। छत्तीसगढ़ जहाँ मैं रहती हूँ वो तो कृषि प्रधान स्टेट है, पर वहाँ बहुत शुरुआत नहीं है, तो ये इसे राष्ट्रव्यापी कहना सबसे बड़ी गलती है। कुछ एक राज्यों को जो की डोमिनेट करते हैं देश में, जब वहाँ कुछ होता है तो उसे राष्ट्रव्यापी कह दिया जाता है, तो ये संज्ञा देना भी गलत है, इसके लिए नजरिया बदलना होगा। दूसरी बात ये कि ये किसान आंदोलन इसलिए संदिग्ध हो गया क्योंकि इसमें जिस तरह के एलिमेंट्स दिखाई दिए तो लोगों में एक नई बहस छिड़ गई। तीसरी एक महत्वपूर्ण बात कहना चाहती हूँ सर, बात खत्म होने के पहले, कि सारी बातें एक तरफ है, कृपया आप ये मान लीजिए कि अगर कुछ लोगों को भी दिक्कत है इससे, जब नरेंद्र मोदी इतने डिजिटल प्रेमी है, वो हर चीज अपने अपने चुनाव तक उन्होंने एक क्रांति ला दी डिजिटल इलेक्शन की, तो क्यों नहीं उन्होंने, जब दुनिया बदल रही है, लोग अवेयर हो रहे हैं, जागरूक हो रहे हैं, स्पोकन हो रहे हैं, आउट स्पोकन हो रहे हैं, तो क्यों नहीं उन्होंने एक इसके लिए पहले एक मानस बनाने का काम किया? जब उन्हें यह भी पता है कि उनका बहुत ज्यादा विरोध होता है, वो अच्छा करे बुरा करे मैं इसको कोई राय नहीं देना चाहती, मैं पॉलिटिकल व्यक्ति नहीं हूं, लेकिन वे चाहते तो इसको बेहतर तरीके से वो खेल सकते थे, क्योंकि इस बिल में बहुत ज्यादा बुराइयां है नहीं जिस तरह से बताया जा रहा है। जब आप बिलों का विरोध करने वालों से ये पूछोगे इसमें क्या विरोध की बात है, वो पॉइंट्स बता नहीं पाते, वो पॉइंट्स बता नहीं पाते। ये सीएए में भी हुआ था, लोग विरोध कर रहे थे, जब हमने उनसे पूछा कि इसमें क्या विरोध के पॉइंट्स है कृपया बताइए, तो स्वरा भास्कर जैसी एक सेलिब्रिटी जो आउट स्पोकन सेलिब्रिटी है उसने बिल नहीं पढ़ा था, उसने ड्राफ्ट पढ़ा नहीं था, वो केवल विरोध कर रही थी। तो कुछ इन बातों का ध्यान रखना भी बहुत जरूरी है, तभी तटस्थ होकर हम सही और गलत को देख पाएंगे। अरे प्रियंका जी बुद्धि होगी तो पढ़ेंगे। चलिए प्रियंका जी, जिस तरीके से देश में हालात निर्मित हो रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी ने बात ही नहीं की, किसानों के हक में आए तो किसानों से कहां बात की, किसानों के हक से बात कर लेते, पहले बात कर लेते, आपने किसानों से, इनके अलायंस भी तो बाहर हो गया, अकाली दल इनसे बाहर होकर चला गया, सांसद भी किसान संघ से बात नहीं की, भारतीय जनता पार्टी का अनुवांशिक संगठन आरएसएस का मुख्य संगठन है। मैं आपसे सहमत हूँ, मोदी जी चाहते तो एक देश भर में एक सर्वे करा सकते थे, वो बहुत ज्यादा एक यूज करते हैं इंटरनेट का, उनको पता है कैसे लोगों से जुड़ना है, कैसे बात करनी है, कैसे फीडबैक लेने, तो वो इस बारे में अवेयर है, लीडर है, वही वो नहीं किया, यही उनकी गलती भी नहीं किया। मन की बात में वो लोगों से फीडबैक पूछ लेते, किसानों से क्यों नहीं पूछा? जी जी
खुद आरएसएस से पूछ लेते, आरएसएस तो फीडबैक दे देती इनको। सर आरएसएस से बाहर निकले, आप तो किसान नहीं है, ये देश के आपको पता नहीं है, आपको पता नहीं है कि किसानों का बिल बनाने के पहले अगर आप आरएसएस के इर्द गिर्द घूमेंगे तो आपकी बात को संदिग्ध माना जाएगा। आप तो किसान, मैं कह रहा हूँ किसानों, किसान संघ विरोध कर रहा है, किसान संघ इसके विरोध में है, कोई विरोध नहीं कर रहा है किसानों के। किसान बता दो मालू जी जो इसके पक्ष में हो। शाम को हमें एक अवसर देना चाहिए सरकार को और किसानों के जो संगठन हैं उनकी बातचीत हो करके किस नतीजे पर सुन रहे हैं, प्रैक्टिकल बात कर रहे हैं। ये अड़ियल रवैया अपनाएंगे तो कैसे बातचीत होगी? आंदोलन वाले अड़ियल रवैया अपनाएंगे तो बात सरकार अपना रहे। अरे आप ये जो लोग डिमांड कर रहे हैं वो ऐसी बेतुकी डिमांड, उत्तर पता है अड़ियल कौन है या समझ रहे हैं देश।